आलू हो गया पढ़ले में, आलू का बस मेरी उम्मीद है कि जो अब जेब से लगाया वही पूरा नहीं हो पाएगा। जी सर, ये 30 एकड़ में तो चिप्स वाला बनना लगा रखा और 20 एकड़ में अपना यह सूर्या। हमारे इधर तो आप आते ही नहीं ना, कभी ध्यान ही नहीं देते, इधर आके तो बस उधर ही दिखाते रहते हो। हम 10 स्प्रे कर दिए। यही देखो बस, पहले खेत में पाला, सर्दी कीड़ा ना लगे कोई, लगाना पड़ता है कि मेहनत वसूल हो जाए थोड़ा बहुत, पर हो नहीं रहा आज बिल्कुल भी। जो बचा था थोड़ा बहुत सर्दी ने नुकसान कर दिया। पता नहीं कभी सच में किसानों को कुछ लाभ मिल जाए, कुछ मुआवजा मिल जाए, वो इसलिए नहीं दिखाते ना। सारे में ही कर पा रहे हैं जी, कम से कम पूरे जिले में मान लो सबका यही स्थिति है। हालत तो आप देख ही सकते हैं, हालत तो बहुत बेकार है। इस बार तो बस आप देख सकते हैं, ये दिखाओ, ये देखो, ये देखो क्या हाल है, देखो देखो क्या हाल है, देखो। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद हापुड़ के गांव सनौली में। यहां पर किसानों द्वारा चिप्सोना और सूर्य आलू की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। इस समय पर हापुड़ जनपद में क्या स्थिति है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम इनके गाँव में आए हुए थे। भैया ने कई बार जो है संपर्क किया था और जो है कमेंट सेक्शन में भी जाके बोला था कि आप जो है हमारे हापुड़ में आइए, हमारे गाँव में आइए, हम दिखाएंगे हमारे यहाँ पर क्या स्थिति है। आप ज़्यादातर जो है खंदौली हो, सादाबाद हो या आगरा हो, यहाँ पर घूमते रहते हैं, लेकिन आज तक हापुड़ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो इनकी रिक्वेस्ट पर हम जो है हापुड़ में आए हुए थे और यहाँ पर आके देखा तो वाकई में स्थितियाँ काफ़ी नाजुक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खंदौली और आगरा में, सादाबाद में है, वही कमोबेश स्थिति देखिए इस समय पर। नीचे दिखा दीजिए, इस समय पर आपको ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी चिप्सोना आलू इनके द्वारा जो चिप्सोना है, चिप्सोना 1 और 3 और सूर्या किया जाता है, और उसी प्लॉट में हम जो है इस समय पर देखने आए थे। यहाँ पर जो है सर्दी का अटैक, साथ में लेट ब्लाइट, ये देखिए खेत पूरी तरीके से चिप्सोना 1 आलू है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। और किसान एक उम्मीद होती है कि हम जो है इसमें से 2-4 पैसे कमा लें, लेकिन अब 2-4 पैसे तो छोड़ दिए, 2 रुपये उसका 1 पैसा भी निकला है इस आलू की फसल में, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से झुलसा इस समय पर फैला हुआ है। मैं भैया से पूछ लेता हूँ। जी भैया, क्या नाम है? जी मेरा नाम सारिक है, मैं सलोनी गाँव से हूँ, जिला पुड़े अपना। यो बाकी बस देख ही रहे हो आप, सारी मेहनत मजदूरी इसमें लगा के जी, जितना भी करा इसमें करा सब कुछ। देखो स्थिति है बस, सर्दी में देखो क्या हाल हो गया पढ़ले में, आलू का बस मेरी उम्मीद है कि जो अब जेब से लगाया वही पूरा नहीं हो पाएगा। कौन कौन से आलू आप जो लगाए थे? जी सर, ये 30 एकड़ में तो चिप्स वाला बनना लगा रखा और 20 एकड़ में अपना यह सूर्या। सूर्या भी लगाया? हाँ जी। चिप्सोना 3 भी है? हाँ जी 3 भी है, थोड़ा 3 भी है इधर। 3 में तो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। जी 3 थोड़ा अच्छा है, बाकी ये चिप्स होना तो बिल्कुल बर्बाद ही हो गया। क्या कारण क्या रहा? और आप भी ये कह रहे थे एक बार कमेंट सेक्शन में कि सोनू भाई तुम जो है खंदौली पे और असादाबादी घूमते रहे। हमारे इधर तो आप आते ही नहीं ना, कभी ध्यान ही नहीं देते, इधर आके तो बस उधर ही दिखाते रहते हो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे गाँव आए, सनौली आए, मैं दिखा रहे न्यूज पे, पर बर्बाद हो गए। क्या पिछली साल भी आपको दाम मिले पाए अथवा नहीं मिल पाए आलू के? से आलू तो ज़्यादा नहीं हुए थे, सही था, पर पिछले साल से अब के ज़्यादा नुकसान है, पिछले साल इतना नहीं था। अब का तो इस बार ये तो मुश्किल ही, जेब से भी अपना जो लिगड़ जाए, जो जेब से भी लगाए। यानी कि कितने स्प्रे आपने इसमें कर दिया होंगी? लगभग कम से कम 10 स्प्रे कर दिए। 10 स्प्रे? इतना जरूरत क्या थी 10 स्प्रे? यही देखो बस, पहले खेत में पाला, सर्दी कीड़ा ना लगे कोई, लगाना पड़ता है कि मेहनत वसूल हो जाए थोड़ा बहुत, पर हो नहीं रहा आज बिल्कुल भी। जो बचा था थोड़ा बहुत सर्दी ने नुकसान कर दिया सर। क्या आज पाला जमा था? हाँ जी, रोज जम रहा है पाला, ऐसे हो गया 8 दिन से रोज जम रहा है पाला। ये पाले की शिकायत है, स्थिति है, देखो आपको दिखाऊँ, ये देखो ये पाले की स्थिति है, बिल्कुल जल गया, देखो बिल्कुल जल गया सर। यानी कुल मिलाकर आप ये देख रहे हैं ये हापुड़ में स्थिति है। भैया आपके यहाँ पर और भी तो जैसे कि अमर उजाला, दैनिक जागरण बहुत लोग पढ़ते हैं, फिर ये रिपोर्टर क्यों नहीं आते आप? बस नहीं आते, सच नहीं दिखाते, झूठ के पीछे पड़ते हैं, झूठ सच नहीं दिखाता कोई। इसे अगर ये ज़मीन पर अगर आपका नुकसान हो रहा है, इसे इस सच को दिखाने में क्या ऐतराज़ क्या है? पता नहीं कभी सच में किसानों को कुछ लाभ मिल जाए, कुछ मुआवजा मिल जाए, वो इसलिए नहीं दिखाते ना, असली नहीं दिखाता कोई। नुकसान तो बड़े स्तर पर,
बड़े स्तर पे या बस जो भी है झेल ले बस। लगभग कितने हेक्टेयर में, जैसे कि अभी तो आपने बताया कि मेरे पास में 20 एकड़ तो सूर्या है, 30 एकड़ में चिप्सोना है और कुछ जो है आपका थ्री चिप्सोना थ्री है, और यहाँ पर कितने उसमें क्षेत्रफल पर ये मतलब ब्लाइट कहर भर पा रही है? सारे में ही भर पा रही है जी, कम से कम पूरे ज़िले में ही मान लो सबका यही स्थिति है। मैं इन्हीं सभी परेशान है और पड़ोसी परेशान है, मैं मौजूदा हूँ बस यहाँ से और नहीं है साथी, पर सबका यही हाल है सब ऐसे ही। वो एक बात देखी है कि जैसे कि मैं आपके यहाँ पर आया हूँ सलोनी गांव में, और मैंने देखा है कि कोई भी जो है मतलब फार्मर से मैं कह रहा हूँ कि भैया खेत दिखा दो, वो खेत दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और जब मैं आपके पास आया तो कई किसान जो है आपके उस पर भी नहीं आए। वो ऐसे ही नहीं बस बोलते हैं, दिखाते दुखोता तो है नहीं, क्या फ़ायदा टाइम बर्बाद करके इनके साथ। आप यहाँ बोल लेंगे टाइम खराब ही होगा, इससे बढ़िया और कुछ घास वास कर लेते हैं अपने डंगरों के वास्ते, बेंसन के वास्ते। देखिए यहाँ पर जो है आपका सर्दी का प्रकोप सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, जरा इधर आइए, इधर आओ आगे, देखिए दिखाओ जी, दिखाओ भाई दिखा दो, देखो ये देख लो आप, सर्दी से पूरे जल गए आलू। सर्दी देखिए, सर्दी से सर्दी का असर देख लीजिए, पत्ते पूरी तरीके से जल चुके हैं, मैं मुरझा चुके हैं, यानी कि अब यह जब ये मुरझा गया और इसके ऊपर जो पाला जमा है, और उसके बाद में तो स्थितियाँ और ज़्यादा विकराल हो जाएंगी। हाँ जी, अभी तो आगे और सर्दी पड़ेगी, अभी तो शुरुआत ही आई है, अभी तो कम से कम एक महीने की और नष्ट हो जाएगी फसल, बस पूरी नष्ट हो जाएगी, पूरी नष्ट हो जाएगी। भैया जी नमस्कार। नमस्ते भैया, क्या नाम है आप? मेरा नाम भी शारिक है। शारिक है जी। आप पड़ोसी हो क्या के दूसरे मोहल्ले के? नहीं नहीं नहीं, कजिन से। कजिन से तो क्या हालत क्या है भैया? हालत तो आप देख ही सकते हैं, हालत तो बहुत बेकार है इस बार तो, बस आप देख सकते हैं भैया, दिखाओ ये देखो, ये देखिए दिखाई दे रहा है। और दूसरा भैया, देखने में आ रहा है कि आपका ये, मैं पूरा अगर खेत में देखूं तो चारों तरफ जो है ब्लाइट ही ब्लाइट और पाला पाला ही जमा हुआ है। जी सर जी, बस सब्र करते हैं हम भी इस बार। देखो भैया इधर आओ, ये देखो क्या हाल है, देखो देखो क्या हाल है, देखो ये हाल है, आलू चिप्स होना है। हाँ जी, आलू चिप्स होना है, मतलब एक पेड़ में ये दो तीन ही दाने बस, दो तीन ही बनने हैं जी, वो भी बन गए पता नहीं कैसे बन गए, वरना दो तीन भी नहीं बनने, खाली जड़ ही जड़ है। जरा सूर्या का भी दिखा दीजिए, क्योंकि सूर्या का भी थोड़ा वो हो जाएगा, सूर्या आलू आपका क्या बात क्या हुई है? देखिए ये तो दिखाई दे रहा है कि लेट ब्लाइट पूरा नष्ट हो गया, तो फसल अब क्या लग रहा है? अब के तो बस कुछ नहीं, बस अब तो जो कुछ होएगा जी अब सही जाएगा जी, बस इस बार तो बर्बाद ही हो गए किसान। किसान साथियों, यहाँ पर किसान हापुड़ में भी कमोबेश यही स्थिति है, और देखिए मैं आपको बता दूं, ये कौन सा है? ये सूर्या है जी, ये सूर्या है, और सूर्या सूर्या तो पूरा सूरज ने निकल लिया, ये देखिए क्या, ये क्या हाल हो रहा है आपके यहाँ, देखिए ये क्या हाल हो रहा है, ये तो पूरा ही मतलब बर्बाद हो गया जी, अभी बर्बाद है अभी, वैसे ऊपर से देख रहा अच्छा अच्छा पर जल गया है अभी सब। आप कहाँ जलाए हुए हैं बड़े भैया, जरा बताइए ये क्या स्थिति है? हाँ जी सर, ये स्थिति तो बेकार हो गई सर इस बार, बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर से बेकार हो गया अंदर से आलू। इसमें तो बहुत ज़्यादा ब्लाइट है, जरा कैमरा मैन इधर आइए, इधर आइए इधर आइए, क्यों भैया जी बताओ। हाँ जी, सब बर्बाद है जी, सब बर्बाद है सब, इधर जो है वो दूसरी तरीके का रोग है। हाँ जी, और इधर जो है इधर मतलब... ये नीचे दिखाओ ना, नीचे दिखाओ कैमरा का, दिखाइए जरा दिखाइए, देखिए ये सूर्या का क्या आलू है, देखिए पूरी तरीके से मतलब तहस नहस है पूरी तरीके से, फसल जो है यहाँ कोई भी ऐसा मतलब पेड़ नहीं है कि जो है वगैरह, यानी कि डुंटर बन चुके हैं, ये देखिए ये पूरी तरीके से डुंटर बना हुआ है। और देखिए कई लोग कह देते हैं कि भैया इसमें जड़ गलन होगी या काली जड़ होगी या जो वैसी होगी, लेकिन ये देखिए आलू तो है नहीं जी इसमें सर, एक भी आलू नहीं है, जड़ जड़ बची है बस। देखिए कई लोग तो कह देते हैं ना कि इसमें जड़ गलन होगी या जड़ काली होगी, तो क्या होता है जो यहाँ जाड़े में सर्दी में पसीने में लगा रहता है, स्प्रे करने में लगा रहता है, उनके जी से कहने से क्या होता है किसी के, ठंड में सुबह ही आते हैं, सुबह ही ठंड में आते हैं अपना लगा, इतनी मेहनत करते हैं ये तो पड़े कंबल में पड़े उनको क्या मालूम, मालूम तो हमें पड़ते हैं ना, यहाँ जब स्प्रे करते हैं वो करते हैं,
कंधे पर जब लगता है सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, लगे रहते हैं। जब दो पैसा ना बचे फिर क्या फायदा इसी आलू तो पड़े रहते हैं एसी में वगैरह, रूम हीटर चला गए, हम तो सर्दी में मरते हैं ना यहाँ पे। देखने में आता है ना जैसे कि यही बात है कि वो जो है अखबार वाले यही है जी, बस सच्चाई नहीं बताते, बाहर से फोटो खींचते हैं लेके चले जाते हैं, इस साल बहुत अच्छी फसल हुई, ये न्यूज छाप देते हैं और बस। ये क्या जो व्यापारी उन्हें फंडिंग करते हैं कि इस तरीके के, मतलब फसल बर्बाद है उसे बंपर दिखाओ। हाँ जी फंडिंग होती है। जी 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 होती है जी, बस मतलब आपका अंदर कोई नहीं देखता दुख दर्द, अंदर कोई नहीं आता। मतलब स्थितियाँ किसान साथियों आपके सामने है, ये मैं आप देख लो सब ब्लाइंड ब्लाइंड है, और इधर भी देख लीजिए, ये देखिए अरे आप खुद देखिए किसान साथियों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इतनी दूर आया हूँ किस लिए आया हूँ, हापुड़ में हूँ इस समय, और मेरे साथ में साकिर भाई हैं जो कि आलू के किसान हैं, लेकिन हालत किसी खंदौली जैसे किसान से कम नहीं है। हर एक किसान जो है इस समय पर उत्तर प्रदेश का ब्लाइट से प्रभावित है, और ये चिप्सोना था, ये आपका इस फील्ड खेत में जो मौजूद हूँ, ये जो है इनका लगभग कितना 30 एकड़ था, 20 एकड़ एकड़ है सर। सूर्या? हाँ जी नहीं, सूर्या 20 है, ये 30 है, चिप्सोना 30 है, सूर्या 20 है, तो 20 एकड़ भी बर्बाद है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। भैया इसमें इसमें भी बराबर ही करते हैं, जैसे आप इन्हें उखाड़ के ले जाते होंगे तो गट्ठर भी बांध देते होंगे दवाई विक्रेता। हाँ जी बेकार आलू तो फेंक रखे हैं पर, अच्छा कुछ जानवर नुकसान कर देते हैं थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कि आप ये खराब हो रहा है तो इन्हें उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। हाँ जी उखाड़ के फेंक रहे हैं सब, और क्या करेंगे इनका, वो तो दिखाई दे रहा है। और ये देखिए किसान साथियों कुल मिला के हापुड़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। साकिर भाई ने अपने गांव का विजिट कराया, खेत दिखाए, और काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मतलब वो हो रही है, इनका दुख दर्द किस तरीके से है, और क्या किसान जो है इस समय पर किसान विरोधी ताकत किसान के साथ नहीं है, किसान विरोधियों को लग रहा है कि बम्पर फसल है और वो मतलब ये कह रहे हैं बम्पर फसल है, और जैसे कि कच्ची खोद हो रहा है ना, कच्ची खोद में कौन सा आलू जाता है, टोटल हाइब्रिड जाता है, और हाइब्रिड तो प्रोडक्शन ही डबल आता है। हाँ जी प्रोडक्शन दो, उसको देख के चलेंगे बम्पर पैदावार है, इसे कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा जी, बस हमारे यहाँ पर साकिर भाई हमारे यहाँ पर होता है 3797 कुफरी बाहर, और आपके यहाँ पर होता है सूर्या चिप्सोना, ये और ये जो आलू होते हैं वो होता है, ये जो आलू होते हैं ना वो पक्की होते हैं, पक्की खोद के होते हैं, और इन्हीं की डिमांड साल भर रहती है, हाइब्रिड की तो बस खत्म हुआ। हाँ जी, और लेकिन हाइब्रिड के नाम पर किसानों को ये दिखा देते हैं बम्पर पैदावार, ये हो गया वो हो गया हो गया वो हो गया, होता कुछ नहीं, जो होता है यहाँ होता है, देख लो आपके सामने हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मैदान उड़ गए, कुछ नहीं बचा जी, जेब की भी निकल जाए वही बहुत ऊपर वाले का शुक्र अदा हो जाएगा, और तो मुझे कुछ कह नहीं सकते। किसान की वेदना सिर्फ किसान ही जानता है और कोई नहीं जानता है। मैं इस समय पर हापुड़ के इस गांव में आया हुआ था, समरौली गांव में, और यहां पर मैंने हकीकत देखी, वास्तविक रूप से किसान यहां का, चाहे वो चिप्सोना किसान हो, चाहे वो आपका सूर्या किसान हो, वो पूरी तरीके से बर्बाद और बदहाल होकर रह गया है। लागत निकालना तक किसान की इस वर्ष जो है दुभर प्रतीत हो रही है। करें तो करें क्या, लेट ब्लाइट और आमाम अनगिनत रोग, 10-10 स्प्रे बता रहे हैं साकिर भाई जो हैं, लेकिन हालत कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। फिलहाल मैं था उत्तर प्रदेश पश्चिम के हापुड़ जनपद में, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलें।